नाक में दम। तूने मेरी नाक में दम कर दिया है। नाक से बोलने वाली दादी आशुतोष की शैतानियों से तंग आकर बोली, नाक में दम? आशुतोष चौंका, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ और दादी वहाँ, नाक भी उनकी सही सलामत नजर आ रही है, भला मैं कैसे उनकी नाक में दम कर सकता हूँ? ना तो मैं चींटी हूँ और ना ही हाथी। आशुतोष ने सोचा, छोटी सी चींटी जरूर हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर डालती है। मन ही मन हंसते हुए आशुतोष ने कहा, क्या इतनी छोटी चींटी हाथी की नाक में दम कर सकती है? कहीं तुम सब भी आशुतोष की तरह तो नहीं सोचने लगे? अरे अरे, इतना मत सोचो। नाक में दम करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खूब तंग करना, परेशान कर डालना। सच तो यह है कि हम सबकी नाक बहुत संवेदनशील होती है। जरा भी मौसम में बदलाव हो तो छींक आना, नाक बहना शुरू हो जाती है। ठंड पड़ने पर सबसे अधिक नाक ठंडी हो जाती है। सांस लेने के लिए साफ हवा ना मिले तो दम घुटने लगता है। दुर्गंध हो तो हम तुरंत नाक बंद कर लेते हैं। मिर्च जैसी चीज का तड़का लगे तो तीखी गंध सीधे नाक तक पहुंचकर बुरी तरह से परेशान कर डालती है। अर्थात नाक में दम करने का मुहावरा सही ही बना है। नाक में दम कर डालना यानी बहुत अधिक परेशान कर डालना। पर नाक तो हमेशा हमारी मदद करती है। सांस लेने में मदद नाक ही करती है। सांस द्वारा शुद्ध वायु लेने और अशुद्ध वायु को बाहर निकालने का काम नाक ही करती है। फूलों की सुगंध, गीली मिट्टी की सोंधी सोंधी महक, फलों की खुशबू हमारी नाक ही पहचानती है। आहा, आज तो स्वादिष्ट हलवा बना है। यह खबर किसी के बताने या चखने के पहले नाक हमें बता देती है। इतना ही नहीं, नाक हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है। चेहरे के बीचों बीच स्थित नाक चेहरे को दो समरूप आकृतियों में बांटती है। दो आंखों, दो कान, दोनों ओर के दो गालों के बीच खड़ी नाक मानो गौरव से सिर उठाए खड़ी रहती है। यही कारण है कि लोग अपनी इज्जत बचाने को अपनी नाक बचाना भी कहते हैं। इसी तरह बेइज्जती होना नाक कट जाना कहलाता है। सूर्पनखा की नाक कटने की कहानी तो तुम सबने जरूर सुनी होगी। केवल एक नाक ने राम और रावण की इतनी बड़ी लड़ाई करवा डाली। नाक है ही इतनी महत्वपूर्ण कि कहा जाता है बिना नाक के साख नहीं रहती। साख का अर्थ है इज्जत। नाक हमारी पांच इंद्रियों में से एक है। हमारी पांच इंद्रियां हैं आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक। नाक सूंघने, सांस लेने के साथ साथ हमारे भावों को प्रकट करने का काम भी करती है। अरुचि या घृणा प्रकट करने के लिए हम नाक सिकोड़ लेते हैं तो कभी गुस्सा आने पर हमारी नाक के नथुने फूल जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत डर जाने पर हम सांस रोक लेते हैं तो किसी को चढ़ाना हो तो नाक और मुंह टेढ़ा भी कर लेते हैं। नाक हमारे ही नहीं, जानवरों के भी बहुत काम की चीज है। हाथी की नाक यानी सूंड का तो कहना ही क्या। वे अपनी सूंड से पेड़ भी उखाड़ सकते हैं, सुई भी उठा सकते हैं और सूंड से किसी भी चीज को लपेट सकते हैं। सूंड में पानी भरकर इधर उधर ले जाना तो उनका प्रिय काम है। इसीलिए हाथी की सूंड हाथी का हाथ भी कहलाती है। कुत्तों की नाक भी बड़े काम की होती है। वे सूंघकर परिचित अपरिचित का पता लगा लेते हैं। कुत्तों की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों का पता लगाने तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कुत्तों की मदद ली जाती है। अगर हम बहुत लंबे समय के बाद भी किसी कुत्ते से दोबारा मिलते हैं तो वह सूंघकर हमें पहचान लेता है
और तुरंत पूंछ हिलाने लगता है। सभी जानवरों की सूंघने की शक्ति तेज होती है। वे सूंघकर अपने दुश्मन को पहचान कर अपना बचाव करते हैं। अपना भोजन ढूंढने के लिए भी वे अपनी सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारी नाक शब्दों का सही उच्चारण करने में सहायता करती है। बात शायद कुछ कम समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो एक काम करके देखते हैं। अपनी अपनी नाक बंद करके हम अंग स्वर वाले शब्दों को बोलने की कोशिश करें तो क्या हम उन्हें सही रूप से बोल पाएंगे? नाक बंद करके कंघी, खंबा, गंगा, झंडा, रंग, पंगा आदि बोलने की कितनी भी कोशिश करें, पर सही रूप में इन शब्दों को हम बोल ही नहीं पाएंगे। एक रोचक बात भी याद आ गई। कई लोगों को नाक से बोलने की आदत होती है और उच्चारण आशुतोष की दादी की तरह सही नहीं हो पाता। एक दिन दोपहर में अचानक बादल घिराए तो वे कहने लगी, बंदरी आ रही है, कपड़े उठा लो। सुनने वाले हैरान थे कि बंदरिया तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। आशुतोष असल बात समझ गया और तुरंत बोल पड़ा, दादी जी, आपकी नाक से बोलने की आदत ने सचमुच में नाक में दम कर डाला है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।